मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, पठान की डे 55 की, यानी कि गाइस आज की मंडे की, मैं आपको बताता चलूं, एक और मंडे स्टार्ट हो चुका है और ये मंडे है 8th वाला। 8th मंडे यानी कि डे 55 की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। मैं आज का ही तो आपको बताऊंगा, इस साथ ये भी बताने वाला हूं कि कल डे 54 तक पठान की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है, 1050 करोड़ करने में और कितना चाहिए होगा। तो इससे पहले कि बताऊं, छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस में आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कल डे 54 पे ऑफ कोर्स गाइस संडे था, मूवी की कलेक्शन ने थोड़ा सा जंप लिया और ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है 30 लाख रुपए की। इसी के साथ पहले 54 डेज के अंदर पठान की इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन हो चुकी है 541.50 करोड़, ग्रॉस बनती है 655.50 करोड़, ओवरसी से आ चुका है 393.20। यार देखिए, ओवरसी से मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये फिल्म कहीं ना कहीं 400 करोड़ तक चली जाए। अगर गाइस ये 400 करोड़ कर लेती तो एक अलग ही लेवल का रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन चलिए 393 भी कम नहीं है और अब 400 करोड़ होना ओवरसी से इम्पॉसिबल सी बात है। तो 393.20 करोड़ और टोटल बनता है 1048.10 करोड़ रुपीज। यस गाइस, 1048 करोड़ हो चुका है और 1050 करोड़ करने में पठान को 1.90 करोड़ रुपए और चाहिए, मतलब 2 करोड़ से भी कम। तो अभी हम देखते हैं कि आज डे 55 पे क्या सीन है, क्योंकि देखिए ऑफकोर्स वर्किंग डे स्टार्ट हो चुके हैं, मंडे स्टार्ट हो चुके हैं, एक और मंडे आ गया, 8th मंडे आ गया, तो ऑफकोर्स कलेक्शन कैसी है देखते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, पठान की डे 55 पे यानी कि आज पे मंडे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है 10 से 15 लाख रुपए। एग्जैक्ट नंबर है 10 लाख रुपए की, ये आज 10 लाख कमाने वाली है। और अगर 10 लाख गाइस कमाती है तो ये ग्रॉस बनेगी ऑफ कोर्स 15 लाख रुपए, ओवरसी से भी गाइस लगभग 8 से 10 लाख आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 25 से 30 लाख। तो पठान आज डे 55 पे यानी कि गाइस मंडे पे, 8th मंडे पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है लगभग 25 से 30 लाख रुपए। हां, अगर ओवरसी से थोड़ा सा अच्छा आता है तो मे बी कलेक्शन ऊपर चली जाए, लेकिन 25 से 30 लाख भी अपने डे 55 पे मैं कहता हूं कि बवाल कलेक्शन है, बवाल। डे 55 तक पहुंच पाना भी मैं कहता हूं कि किसी-किसी मूवी, कोई-कोई मूवी पहुंचती है ख्वाब ही रहता है। मैंने इतनी मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई, मुझे नहीं लगता कि गिनी चुनी 3-4 मूवीज के अलावा मैंने किसी मूवी के डे 55, डे 55 छोड़ो डे 45 या 35 तक भी गया हूं। खैर दोस्तों, अगर तो 25 से 30 लाख आता है तो यह बन जाएगा 1048.405 करोड़, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज के बाद पठान को 1.5 करोड़ रुपए और करना होगा। और अभी इस फिल्म के पास 10 दिन और है, क्योंकि 10 दिन बाद आना है भोला ने। और गाइस, भोला की एडवांस बुकिंग आपको पता है कि फिलहाल 3D में स्टार्ट हो रही है, हुई पड़ी है, चल रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन 2D में स्टार्ट नहीं हुई। और याद रखिए, जब तक 2D में एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हो जाती पठान को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, IMAX 3D में एडवांस बुकिंग ओपन होने की वजह से पठान के और सिनेमास कम हो गए हैं, लेकिन पठान चल रही है। तो 10 दिनों में क्या लगता है पठान 1.5 करोड़ कर लेगी ओवरसीज वर्ल्ड वाइड ग्रोथ? मुझे लगता है इजीली इस फिल्म को करना चाहिए। यस गाइस, तो कितनी बड़ी अमाउंट नहीं है 1.5 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन में, नेट में है ग्रॉस कलेक्शन में, तो अगर तो कर लेते तो 1050 करोड़ पठान की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी। और ये जो फिगर्स आ रहे हैं 10 लाख 20 लाख, ये भी गाइस 10 दिन और आएंगे, मतलब के पठान बोला के रिलीज डेट तक, और उसके बाद नहीं आएंगे। और वैसे भी अभी देखना ये जरूरी होगा कि आज तो है 20th ऑफ मार्च, और कल नहीं तो परसों इस फिल्म ने OTT पर आ जाना है, मतलब आप कह सकते हैं कल नाइट को ये लगभग रात के टाइम ये आ जाएगी OTT पर। तो OTT के आने के बाद इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देखना जरूरी होगा। खैर दोस्तों, आप लोग मुझे बताएं, क्या आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखेंगे या नहीं देखेंगे? देखिएगा, जिन लोगों ने तो थिएटर में नहीं देखी उनकी तो समझिए ईद हो गई ना, क्योंकि उनको अनकट वर्जन देखने को मिलने वाला है Amazon प्राइम पे। और जिन लोगों ने देखी है मुझे लगता है वो भी Amazon प्राइम पर देखेंगे, क्योंकि अनकट वर्जन है। काफी सारे बुर्ज खलीफा के एक दो सीन गाइज नहीं दिखाए गए, वो भी दिखाए जाएंगे, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या कहता है। मैं देखूंगा फिल्म, अगर मुझे लगा कि भाई काफी सारे अच्छे और न्यू चीजें हैं जो कट हो गई थी, मैं रिव्यू जरूर करूंगा। अभी तक लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।